साधारण में असाधारण राजू पटेल का चित्र संसार। स्वाभाविकता सहजता राजू पटेल का व्यक्तित्व उनके चित्र में सुस्पष्ट रूप से प्रभावित करता है। इनके रंगों का चुनाव व संयोजन बहुत ही सामंजस्यपूर्ण है। रंगों में छाया प्रकाश की कठोरता इनके आकारों से परे है। एक दूधियापन, हल्का फुल्का होना, जल रंग के प्रयोगों के साथ सटीकता से तारतम्यता राजू पटेल के चित्रों की पहचान है। इनके चित्रों में प्राय तीखे और चटकीले रंगों का अभाव रहता है। संयोजन एक प्रकाशीय वातावरण और जीवंतता से ओतप्रोत दिखता है। हालांकि इनके नवीनतम चित्र इस स्वतंत्र भारत की राजनीतिक प्रकाश से परे व अवांछनीय ग्रामीण जनजाति के जीवन संघर्षों पर केंद्रित है। ऐसा लगता है कि मानो जल रंगों के साथ लंबे समय तक काम करने से कलाकार को कागज की सफेदी से अधिक प्रेम व रंगत से कंजूसी बरतने की आदत सी पड़ गई है। परंतु यही अभिनिवेश राजू पटेल के चित्रों की सहज अभिव्यक्त बन गई है। एक आवारगी और धुंध सा सदैव चित्रों में अंतर्निहित प्रतीत होता है। कभी यह जीवन की व्यवस्था की तारीफ बनता है तो कभी हर अनुभव में छुपे शाश्वत सत्य के दर्शन भी कराता है। एक रंगत प्रधानता, सूक्ष्म और कोमलता, रंगों के फैलाव व कागज के प्रति बर्ताव के लिए सूक्ष्म संवेदनशीलता इनकी अभिव्यक्ति के गुण धर्मों में शामिल है। कहते हैं कि कलाकार जो भी चित्र बनाता है वह उसका व्यक्तित्व चित्र ही होता है। निसंदेह राजू पटेल के हर चित्र में उनके सहज व्यक्तित्व की छाप है। सामंजस्यपूर्ण रंग नियोजन अति साधारण विषयों में असाधारण दृष्टिकोण से अलौकिकता का दर्शन दर्शक की सभी व्यक्तियों को समग्रता में समेटने का साहस रखती है। अकादमिक शिक्षण काल से ही अपने पंजों की दिव्यांगता को राजू पटेल के चित्रों में विभिन्न तरीकों से अभिव्यक्ति का विषय चुना है, जो कि साधारण और स्वाभाविक है। किसी प्रकार की लाग लपेट, चालाकी व छल कपट से परे संवेदनाओं की अभिव्यक्ति इस कलाकार की इन कृतियों में स्पष्ट है। आर्थिक अवरोध व परिस्थितियों के प्रति संघर्ष को ही अपनी अभिव्यक्ति की ताकत बनाना ही इनकी जीवंतता और रचनात्मकता का परिचय है। अपने पंजों की दिव्यांगता को लेकर जूतों की विशिष्ट आकृति के साथ नवीन प्रयोगों से मन के अवचेतन तलों का साक्षात्कार इस चित्र श्रृंखला में शामिल है। एक जूते के आकार को लेकर एक संसार गढ़ लेना, जैसे कि जूता नहीं कोई व्यक्तित्व हो, जो अपनी आत्मकथा द्वारा अस्तित्व की मूलभूत प्रवृत्तियों में कलाकार के द्वारा कृतियों में स्वतः ही रूपांतरित हो रहा है। यह पैरों के पंजों की दिव्यांगता में सिमटा राजू पटेल का चित्र रूपी संसार प्रत्येक चित्र में जैविकता की अंतर गहराइयों के साक्षात्कार कराते हैं। रंग और कागज की इस दुनिया का विस्तार कहीं अलौकिक जैसा प्रतीत होता है तो कहीं पाताल से जुड़ी गगनचुंबी इमारतों के शहर के रूप में एक दिव्यांग के जूतों से जुड़े विरोधाभास का सौंदर्य प्रकट करता है। कहीं रेंगते हुए कीड़े चेतना की अधोगति और तंद्रा या कह सकते हैं सूक्ष्म कोशिकीय जैविक प्रक्रियाओं का संसार जो क्षणिक संवेदनाओं की गहनता को दर्शाता है। जीवन यापन और महत्वाकांक्षा से भरे इस समाज की इस विकास प्रक्रिया में व्यवस्था की अव्यक्त अज्ञानता के विभिन्न आयामों का दर्शन कलाकार की तपस्या इन चित्रों में समाहित है। यहाँ कलाकार के चित्र स्वयं प्रकाशमान है, अर्थात छाया प्रकाश के विरोधाभास का अभाव और रंग के रूप के चयन से सौम्यता व कोमलता विषयों की प्रारंभिक गंभीरता के साथ विरोधाभास पैदा करता है। ऐसा लगता है कि सामाजिक व जीवन यापन की प्रक्रिया में राजू पटेल के जूतों का रूप इस साधक का
प्रारंभिक ध्येय मात्र है। इस समस्या रूपी व्यक्तिगत ध्येय में ध्याता की समग्रता से संपर्क, चेतना के विराट तलों में प्रवेश, सामूहिक चेतन व सामूहिक अवचेतन में फैली संवेदनशीलता कलाकार के इस व्यक्तिगत विषय को सार्वभौमिक जीवन व मानवता के रहस्यमयी पहलुओं से भी जोड़ती है। जूते की यह चित्र संकला केवल कलाकार के व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य का एक संसार मात्र नहीं है, वरन जीवन की मौलिक आवश्यकता सत्य, सौंदर्य और आनंद को भी अपने आप में समेटे हुए है। राजू पटेल एक जनजाति से संबंध रखते हैं। वनवासी जनजातियों के लिए स्वतंत्रता के दशकों बाद सरकारी विकास नीतियों का असफल हो जाना उन्हें अपना ध्यान इस विषय पर चित्र बनाने के लिए प्रेरित करता है। गत कुछ वर्षों से जनजाति का यह अवांछित जीवन इस कलाकार की नवीनतम चित्रकला का संसार बन गया है। इन चित्रों में एक प्रकार की स्तब्धता, भारतीयता, मासूमियत व साधारण जनजीवन के क्रियाकलापों का निरूपण दर्शकों को सौंदर्य विभोर कर सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। भारतीय जनसाधारण और उनके साधारण क्रियाकलाप जैसे कि सामूहिक गपशप, बातचीत करते माँ बेटी, किसान, वृद्ध महिला, फर्श पर चलता एक विकलांग, जो कि अति साधारण जीवन शैली में सदा से ही दृष्टिगोचर रहते हैं, कलाकार की रंग योजना का हल्का व फीकापन, इन विषयों को एक अलौकिक दर्शन देता है। यह साधारण में असाधारण का तड़का इन चित्रों को विशिष्ट भाव देता है। इस 21वीं सदी के बदलते चकाचौंध में यहाँ सूचना तकनीकी, स्मार्टफोन, वैश्वीकरण की आड़ में इन चित्रों के सदृश जीवन का रंग फीका हो गया है। इस प्रयोजन से भरे संसार में आत्मीयता और संवेदनशीलता खोसी गई है। सुख साधन तो हैं, लेकिन जीवन छिनता गया है। राजू पटेल के यह चित्र विरोधाभास की उस सीमा पर खड़े हैं जहां सत्य असत्य हो जाता है और असत्य सत्य सा प्रतीत होता है, तो दूसरी ओर आंखों से मानवता को उनके हक की याद दिलाते हैं। एक ओर तो यह भी कहते हैं कि तुम्हारी इस विकास और उपलब्धियों भरी जीवन शैली का कोई अर्थ नहीं है जीवन के प्रति संवेदनशीलता के बिना। दूसरी ओर बताते हैं कि तुम्हारे संसार में हम अवांछित भी हैं, अनदेखे हैं, भूले बिसरे हैं। राजू पटेल के चित्रों में यह नवीनतम विकास भले ही सामाजिक चेतना की कलात्मक पहल जैसा प्रतीत होता है, परंतु जीवन की गहरी सत्यता को भी उजागर करता है। जो शास्त्रों द्वारा समाज तक नहीं पहुंचाई जा सकी वह मात्र साधारणता और सहजता है। इसी में जीवन का परम मूल्य सत्य, सौंदर्य और आनंद बसता है, निष्काम, अप्रयोजन और अभिन्नता। सुनने में नीरस प्रतीत होते हैं, परंतु जीवन के परम रस और परम आनंद की यही अभिव्यक्ति बनते हैं, जहां व्यक्ति के जीवन से प्रयोजनता का बंधन छीण हो जाता है, स्वतंत्रता व स्थिरता को प्राप्त करता है, सभी तनाव छीण होते हैं, समग्रता व समर्पण स्वभाव वन हर असाधारण में साधारण व साधारण में असाधारण का बोध ही परम ज्ञान की अनुभूति है। राजू पटेल की इस चित्र श्रृंखला में कुछ ऐसी ही अनुभूति होती है जो अपनी साधारणता में असाधारण को समेटे हुए है।